हेलो फ्रेंड्स, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के लास्ट वीडियो में मैंने आपको फंगस पढ़ाया है। तो फंगस का जनरल क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताया, जनरल करैक्टरिस्टिक फीचर बताया है, उनमें कैसा रिप्रोडक्शन होता है ये बताया है। अब इस वीडियो में हम इस फंगस को आगे बढ़ाते हुए और फिर प्लांट किंगडम भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, फंगस का जो एक ग्रुप है, पहला ग्रुप है, वो है फाइकोमाइसिटीज। फंगस में फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज, ये चार क्लासेस हम फंगस के मानते हैं, ठीक है। इसमें जो पहला क्लास है फाइकोमाइसिटीज, ये लोअर फंजाई कहलाते हैं, कहलाता है, ये लोअर फंगाई का ग्रुप कहलाता है। और बाकी जो तीन ग्रुप है, तीन क्लास है, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज, ये हायर फंजाई हैं। इनमें भी एस्को, बेसिडियो, ड्यूट्रो लोअर से हाई होते हुए जाता है, ठीक है। और लोअर से हाई होते हुए जाने का मतलब ये है कि एक तो उनमें जो माइसिलियम का स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा चेंज होता है, दूसरा जो एक और मेन जो कैरेक्टरिस्टिक चेंज होता है फीचर, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखने को मिलता है। जैसे जैसे हम हायर फंजाई में जाते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिड्यूस होता चला जाता है, कम होते चला जाता है, और ड्यूटेरोमाइसिटीज के आते तक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरी तरह से खत्म हो जाता है, और इसलिए ड्यूटेरोमाइसिटीज को हम फंजाई इम्परफेक्टाई भी कहते हैं, ठीक है। तो अब हम चार क्लासेस में से पहला क्लास देख रहे हैं फाइकोमाइसिटीज। देखिए, फाइकोमाइसिटीज में दो सब क्लासेस हैं, एक है ओमाइसिटीज और दूसरा है जाइगोमाइसिटीज। ये फाइकोमाइसिटीज जो है लोअर फंगाई का ग्रुप है, इसकी जो मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि इसका जो माइसिलियम है हाइफी, ये एसेप्टेट है। एसेप्टेट का मतलब ये है कि इनमें सेप्टम नहीं है बीच में, और इनके अंदर न्यूक्लियस जो है और साइटोप्लाज्म पूरा फैले हुए हैं, बिखरे हुए हैं, ठीक है, ऐसे साइटोप्लाज्म बिखरे हुए हैं, ठीक है, ऐसे है ना। तो इन्हें अपन कहते हैं एसेप्टेट हाइफी, और चूंकि इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस अंदर में एक ही सेल के जैसा है ये, और बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, तो हम इसे सिनसाइटियल या सिनोसिटिक भी कहते हैं, ठीक है, सिनोसिटिक माइसिलियम। इनमें बीच में सेप्टम नहीं है, इसलिए पूरा ये एक सेल कहलाता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, ठीक है। तो ये एक प्रकार का लोअर फंगाई है, इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो सबसे ज़्यादा डेवलप्ड होता है, जिसको अपन गैमिटेंजियल कॉपुलेशन और गैमिटेंजियल कॉन्टेक्ट, इन दो नामों से हम जानते हैं, और ये सबसे डेवलप्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, क्योंकि जैसे हम लोअर से हायर में जाते हैं, मैंने अभी बताया था आपको कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिड्यूस होते चले जाता है, ठीक है। मेंबर्स ऑफ फाइकोमाइसिटीज आर फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट्स एंड ऑन डिकेइंग वुड इन मॉइस्ट एंड डैम प्लेसेस और एज ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट्स। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि फंगस ज्यादातर गीले जगहों पे, जहाँ पर नमी ज़्यादा होती है और जहाँ पर थोड़ा वार्म कंडीशन होता है, वहाँ पर ग्रो करते हैं। तो चूंकि फाइकोमाइसिटीज भी इसी तरह से ग्रो करेंगे, एक्वेटिक हैबिटेट एंड ऑन डिकेइंग वुड, ये देखिए, सड़ते हुए लकड़ी में, मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस यानी कि गीले जगहों पे, एज ऑब्लिगेट पैरासाइट यानी कि परजीवी के रूप में, पैरासाइट के रूप में बीमारी पैदा करेगा प्लांट्स में। ऑब्लिगेट का मतलब होता है अनिवार्य रूप से, कंपल्सरी, मतलब जो केवल पैरासाइट के रूप में रह पाएंगे ऐसे स्पीसीज, जो सेप्रोट्रॉफिक नहीं बन सकते, केवल पैरासाइट रहेंगे, ऐसा है। द माइसिलियम इज एसेप्टेट, अभी मैंने आपको जो बताया था वही यहां पर लिखा है, माइसिलियम एसेप्टेट है एंड सिनोसिटिक है, है ना, अंदर में बहुत सारे न्यूक्लियस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय जूस स्पोर्स और बाय ए प्लेनोस्पोर और बाई स्पोरेंजियोस्पोर। देखिए, यहाँ पर नहीं लिखा है, मैं आपको बता रहा हूँ, किसी भी प्लांट ग्रुप में या फंगस ग्रुप में कोई एकमात्र स्पोर जो मोटाइल होता है, जो गति कर सकते हैं, चल सकता है, उसमें फ्लेजेला होते हैं, वो केवल एकमात्र स्पोर होता है, वो है जूस्पोर, है ना, ये मोटाइल होता है। लेकिन जूस्पोर की एक बड़ी विशेषता तो ये ही है कि फ्लेजेला है, दूसरी ये कि ये केवल फेवरेबल कंडीशन में बनते हैं, क्योंकि इनकी जो वॉल है वो बहुत पतली होती है और ये अनफेवरेबल कंडीशन को नहीं सहन कर पाते, टॉलरेट नहीं कर पाते हैं,
इसलिए ये केवल फेवरेबल कंडीशन में डेवलप करते हैं। एप्लेनोस्पोर क्या है, ये भी वैसे तो थीन वॉल्ड ही होते हैं लेकिन जू स्पोर से थोड़े से थिक होते हैं और ये नॉन मोटाइल होते हैं। बाकी कोई भी स्पोर, जू स्पोर के अलावा कोई भी स्पोर जो है वो नॉन मोटाइल ही होता है ना। दीज स्पोर्स आर कॉल्ड एंडोजिनसली प्रोड्यूस्ड, दीज स्पोर्स आर एंडोजिनसली प्रोड्यूस्ड इन स्पोरेंजियम। देखिए अगर स्पोर्स किसी स्पोरेंजियम के अंदर बनते हैं तो उन्हें हम एंडोजिनस कहते हैं, और स्पोर अगर ओपनली नेकेडली बिना स्पोरेंजियम के बनते हैं तो हम उसे एक्सोजिनस कहते हैं। तो ये जितने भी स्पोर हैं वो स्पोरेंजियम में बनते हैं इसलिए इनको एंडोजिनस या स्पोरेंजियोस्पोर भी कहते हैं। ए जाइगोस्पोर इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स। ये देखिए अब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहा है, अभी इससे पहले हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे थे, देखिए है ना, जिसमें जू स्पोर एप्लेनोस्पोर ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन था। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या मतलब होता है, उसमें एक तो गैमेट बनना चाहिए है ना, मियोसिस होना चाहिए, फर्टिलाइजेशन होना चाहिए। ये अलग बात है कि मियोसिस आगे पीछे कहीं पर भी हो सकता है, यहाँ पर पीछे होता है, हम लोगों में पहले मियोसिस होता है गैमेट बनते समय, हम लोग का गैमेटिक मियोसिस है क्योंकि हम लोग डिप्लॉयड है। लेकिन जो हैप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है जैसे फंगस हैप्लॉयड है तो इनमें पहले मियोसिस नहीं होता, बिना मियोसिस के ही गैमेट बनते हैं, उसके बाद फिर जाइगोट बनने के बाद उसमें मियोसिस होता है। तो इनका जो जाइगोट होता है ना उसे हम कहते हैं जाइगोस्पोर, है ना, जाइगोस्पोर इनका जाइगोट होता है। क्योंकि ये जो जाइगोस्पोर है, एक तो पहली बात ये कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें अनफेवरेबल कंडीशन में होता है, पहली बात। दूसरी बात कि अनफेवरेबल कंडीशन को पास करने के लिए इनका जो जाइगोट है अपने चारों तरफ एक मोटी वॉल बना लेती है, सिस्ट बना लेती है। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को जो सिस्ट बना हुआ है जाइगोट का, उसे हम कहते हैं जाइगोस्पोर, ठीक है। तो गैमेट्स के फ्यूजन के द्वारा जाइगोस्पोर बनता है, ठीक है। दीज गैमेट्स आर सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी, दैट इज आइसोगैमेट्स और डिसिमिलर एन आइसोगेमस और ओगेमस। अब इन तीनों को समझ लीजिए, आप देखिए आइसोगेमस कब कहेंगे, जब गैमेट का शेप साइज एक जैसे रहेंगे, है ना, ऐसा देखिए ये बराबर शेप के, बराबर साइज के, ठीक है, ऐसा एक गैमेट और ये दूसरी गैमेट, है ना, दोनों का शेप साइज बिल्कुल एक जैसा, ये मॉर्फोलॉजिकली आइसोगेमेट है। लेकिन फिजियोलॉजिकली ये भी आइसोगेमी है, क्यों, क्योंकि इसमें से एक मेल होता है एक फीमेल होती है, तो फिजियोलॉजिकली तो एन आइसोगेमी है सभी, लेकिन हम अभी यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो मॉर्फोलॉजी को लेकर के है, मतलब बाहर से वो एक जैसे दिख रहे हैं इसलिए आइसोगेमस हैं, दोनों मोटाइल होते हैं। एन आइसोगेमस में क्या होता है कि एक गैमिट बड़ा होता है और दूसरी एक गैमिट छोटा होता है, दूसरी गैमिट बड़ी होती है, ठीक है। तो जो छोटा गैमिट है वो मेल होता है, बड़ी गैमिट फीमेल होती है, और जनरली इनमें भी दोनों मोटाइल होते हैं, इसमें भी आइसोगेमस में भी दोनों मोटाइल है, एन आइसोगेमस में भी जनरली दोनों मोटाइल होते हैं। और तीसरा है ओगेमस, जिसमें एक छोटा गैमिट मेल का होता है, एक बड़ी गैमिट फीमेल की होती है और ये नॉन मोटाइल होती है, इसको हम ओवम कहते हैं। इसीलिए इस रिप्रोडक्शन को अपन ओगेमस टाइप कहते हैं। फिर से एक बार बता रहा हूं, दोनों गैमिट एक जैसे हैं, दोनों मोटाइल हैं तो आइसो, दोनों गैमिट छोटे बड़े हैं तो एन आइसो, जनरली ये भी मोटाइल होते हैं। लेकिन जब एक गैमिट छोटा मोटाइल है, दूसरी गैमिट बड़ी नॉन मोटाइल है, तो हम इसे ओगेमस कहते हैं और बड़ी वाली को हम ओवम कहते हैं, और इससे बना हुआ जो जाइगोट है उसे ऊस्पोर कहते हैं, बाकी इन दोनों से बने हुए जाइगोट को जाइगोस्पोर कहते हैं। अभी आपने पढ़ा ना कि यहाँ पर जाइगोस्पोर है, तो इसमें और इसमें फर्टिलाइजेशन होगा तो जाइगोस्पोर है, लेकिन इसमें जब फर्टिलाइजेशन होता है तो उसे हम ऊस्पोर कहते हैं, और इसे ओगेमस टाइप का, और उसे ओवम कहते हैं। तो इसको थोड़ा सा आप क्लियर रखिए, ठीक है, ठीक। सम कॉमन एग्जाम्पल्स आर म्यूकर, ठीक है, म्यूकर इसका फाइकोमाइसिटीज का एक बढ़िया एग्जाम्पल है ना, म्यूकर के जैसा ही एक राइजोपस होता है, द ब्रेड मॉल्ड मेंशन्ड अर्लियर। देखिए राइजोपस को हम ब्लैक ब्रेड मॉल्ड कहते हैं क्योंकि ये ब्रेड में और रोटी में ये ग्रो कर जाता है और काले काले स्पोर बना के पूरा काला कर देता है, तो हम इसे ब्लैक ब्रेड मॉल्ड कहते हैं। एक और ब्रेड मॉल्ड होता है वो पिंक ब्रेड मॉल्ड होता है, ठीक है, वो न्यूरोस्पोरा क्रेशा, वो अलग है, यहाँ पर ये राइजोपस है, ठीक है। एंड एल्ब्यूगो,
एल्ब्यूगो कैंडिडा, ये एक फंगस है जो वाइट रस्ट डिजीज पैदा करता है मस्टर्ड में। इसके बारे में हमने बात किया है कि मस्टर्ड में वाइट रस्ट डिजीज पैदा करता है, ठीक है, एल्ब्यूगो कैंडिडा, ठीक है। अब है एस्कोमाइसिटीज, ठीक है, कॉमनली नोन एज शैक फंजाई। शैक फंजाई हम क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो स्पोर्स बनते हैं वो स्पोर्स एस्को स्पोर्स कहलाते हैं, और जिस स्पोरिनियम में बनते हैं उसे एस्कस कहते हैं, और जो एस्कस है वो शैक जैसा होता है, ऐसे गुब्बारे जैसा होता है, शैक जैसा, इसलिए हम इसको शैक फंजाई कहते हैं, ठीक है। और ये मल्टी सेलुलर है, और फिलामेंट जो है इसके माइसिलियम वो सेप्टेट है। सेप्टेट का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया है कि इस टाइप से इनमें बीच बीच में सेप्टम रहेंगे, और ये कई सेल्स के बने हुए हैं, ठीक है, तो ये हर एक में एक एक न्यूक्लियस है ऐसा, ठीक है। कभी कभी यूनिसेलुलर हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर में आपका पेनिसिलियम है और यूनिसेलुलर में ईस्ट है। ईस्ट देखिए ये यूनिसेलुलर फंगस है। ऐसा ही एक और होता है सिनकाइट्रियम, मैंने पहले बहुत बार बताया इसके बारे में। ईस्ट को सैक्रोमाइसिस सेरेबिसी कहते हैं, है ना। दे आर सैप्रोफिटिक, मतलब ये डेड ऑर्गेनिक मटेरियल में ग्रो करेंगे और उसको डिकम्पोज करेंगे। ये डिकम्पोजर्स हैं, मतलब सड़ाते हैं। पैरासाइटिक हो सकते हैं, मतलब किसी एनिमल प्लांट में ग्रो करके उनको बीमार कर सकते हैं। और कॉप्रोफिलस, कॉप्रोफिलस का मतलब होता है जो फीकस पे, डंग पे ग्रो करता है ना। तो आप देखे होंगे बारिश के दिनों में कई बार डंग के ऊपर ये ग्रो करता हुआ दिखता है, ठीक है ना। माइसिलियम इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेट, अभी मैंने आपको बताया कि ब्रांचिंग है और इसमें सेप्टम है, ठीक है, इस तरह से सेप्टम है। द एसेक्सुअल स्पोर्स आर कॉल्ड कोनिडिया, प्रोड्यूस्ड एक्सोजिनसली ऑन द स्पेशल माइसिलियम कॉल्ड कोनिडियोफोर्स। देखिए ये फोर है, इसका मतलब मैंने बताया है पिछले वीडियो में भी, इसका मतलब है वो ब्रांच जिसमें कोई चीज बनती है, तो कोनिडिया बनते हैं जिस ब्रांच में, उसको हम कोनिडियोफोर कहेंगे, है ना। ये ओपन बनने वाले स्पोर जैसे स्ट्रक्चर्स हैं, है ना। कोनिडिया ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूस माइसिलियम, तो इनका एक प्रकार से एक्सोजिनस स्पोर है ये, और ग्रो करके माइसिलियम बनाएगा। सेक्सुअल स्पोर्स आर कॉल्ड एस्को स्पोर्स विच आर प्रोड्यूस्ड एंडोजिनसली इन शैक लाइक एसआई सिंगल एस्कस। दीज एसआई आर अरेंज्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड एस्को कार्प। देखिए अब इसको मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ फंगस का कैसा इसमें है। तो एक्चुअली जैसे ये माइसिलियम है, ठीक है, ये माइसिलियम है, इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना है, ये बहुत सारे सेल्स हैं, ठीक है, ताकि आपको ये थोड़ा सा प्रोसेस समझ में आए ठीक से क्या लिखा है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये बहुत सारे सेल्स के न्यूक्लियस हैं, ठीक है, हर सेल के एक एक न्यूक्लियस, ठीक। जब इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो मान लो कि एक ये माइसिलियम है और एक ये माइसिलियम है, इन दोनों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, या फिर एक ही माइसिलियम के दो सेल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना है। तो मान लो कि ये एक गैमिट है और ये एक गैमिट हो गया, मतलब ये सेल के न्यूक्लियस ही गैमिट का काम करेंगे। तो एक गैमिट जो है इसमें आ जाएगा, मान लो ये फीमेल है, ये मेल है, ये मेल है, ये फीमेल है, तो ये मेल का गैमिट फीमेल में आ गया, ठीक है। अब ये डाइकैरियन कंडीशन में पड़ा रहता है, और कुछ समय बाद ये फ्यूज हो जाएंगे, फ्यूज होकर के ये जाइगोट बन गया, एक न्यूक्लियस जो डिप्लॉयड है। अब ये जो है ऐसा एक शैक जैसा स्ट्रक्चर बना लेगा, इसका जो न्यूक्लियस है ये डिप्लॉयड है। अब इसे मियोसिस होके चार न्यूक्लियस बन जाएंगे। अब माइटोसिस होके और ज़्यादा न्यूक्लियस भी बन सकते हैं, फिर इन्हीं न्यूक्लियस के चारों तरफ वॉल डेवलप हो जाते हैं, तो ये स्पोर्स बन जाते हैं, इनको एस्को स्पोर कहते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर बनाया है ये एस्कस है, और ऐसे बहुत सारे एस्कस मिलके एक फ्रूटिंग बॉडी बनाते हैं, उसको एस्को कार्प कहते हैं, बस ये है। और ये जो एस्को स्पोर है ये जर्मिनेट करके नया फिलामेंट बना लेगा, ठीक। सम एग्जांपल्स आर एस्परजिलस। देखिए एस्परजिलस ये एक बीमारी पैदा करता है, उसको एस्परजिलोसिस कहते हैं। ये हमारे लंग की बीमारी है और इससे लंग कैंसर हो जाता है, एस्परजिलोसिस। क्लेविसेप्स, देखिए क्लेविसेप्स परप्यूरिया ये एक फंगस है जो राई में, सरसों में एक बीमारी पैदा करता है, उसको हम कहते हैं अर्गॉट डिजीज,
अर्गॉट, क्लेविसेप्स परप्यूरिया से होता है, सरसों में, राई में और बाजरा में भी। और ये जो क्लेविसेप्स है इसी से हम एक केमिकल निकालते हैं, उसका नाम है LSD, ठीक है, लाइसर्जेनिक एसिड डाइमेथाइल एमाइड, लाइसर्जेनिक एसिड डाइमेथाइल एमाइड। ये एक केमिकल है जो नशा पैदा करता है ना, ये एडिक्ट कर देता है इंसान को, नशा है ना। और ये दिमाग को और हार्ट को, ब्रेन और हार्ट को बुरी कदर डैमेज कर देता है, किडनी को भी। तो इसका जो नशा जो करता है LSD का, उसका ब्रेन, हार्ट, किडनी सब बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। न्यूरोस्पोरा, अभी मैंने कुछ देर पहले इसका नाम लिया था, इसको पिंक ब्रेड मॉल्ड कहते हैं, ये एस्कोमाइसिटीज ग्रुप का मेंबर है, पिंक ब्रेड मॉल्ड। इसी पे बीडल एंड टॉटम नाम के दो साइंटिस्ट ने काम किया था और वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस को उसने बताया था, ठीक है, उन्होंने बताया था, सॉरी, है ना। ये देखिए, न्यूरोस्पोरा इज यूज्ड एक्सटेंसिवली इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिकल वर्क, है ना। इसी को ड्रोसोफिला कहा जाता है प्लांट किंगडम का, है ना, क्योंकि उसमें ज़्यादा काम है, उसमें भी ज़्यादा काम हुआ है। मैनी मेंबर्स लाइक मॉरल्स एंड ट्रफल्स आर इडिबल एंड आर कंसिडर्ड डेलिकेसीज। ये जो नाम लिखा है ना, मॉरल्स और ट्रफल्स, ये मशरूम है जिनको खाया जाता है सब्जी बना करके, है ना, मशरूम। और ये बहुत प्रोटीनेशियस भी होते हैं और बहुत टेस्टी भी होते हैं, डेलीशियस होते हैं। तो यहाँ पर कुछ फंगस के पिक्चर्स बने हुए हैं, आप देख सकते हैं। पहला वाला जो पिक्चर है वो म्यूकर का है, ठीक है। और ये जो है ये ब्रेड में ग्रो करता है, शुरू में तो सफ़ेद सफ़ेद कलर के ऐसे फंगस के थ्रेड्स दिखेंगे आपको, बाद में काले हो जाते हैं पूरे, क्योंकि वहाँ पर स्पोर्स बन जाते हैं। दूसरा वाला जो है एस्परजिलस का स्ट्रक्चर है, एस्परजिलस का, ठीक है, ये एस्कस का ही स्ट्रक्चर है। और तीसरा स्ट्रक्चर जो है एगेरिकस का है, ये एगेरिकस जो है ये मॉरल है एक प्रकार का, जो खाने वाला मशरूम है वो वाला है एगेरिकस। तो ये तीन स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं। अब है बेसिडियोमाइसिटीज, ठीक है, बेसिडियोमाइसिटीज। तो अब एस्कोमाइसिटीज से थोड़ा और डेवलप्ड कंडीशन में मिलेगा आपको बेसिडियोमाइसिटीज। इसमें भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वैसे ही दो न्यूक्लियस आएंगे, फ्यूज होंगे, फ्यूज होने के बाद मियोसिस करेंगे, मियोसिस से चार स्पोर बनाएंगे, उन स्पोर्स को बेसिडियो स्पोर कहते हैं, और जिसमें वो बनता है वो बेसिडियम कहलाता है, और जो फ्रूटिंग बॉडी बनेगा वो बेसिडियो कार्प कहलाएगा। वैसे ही जैसे एस्को स्पोर, एस्कस और एस्को कार्प, वैसे ही बेसिडियो स्पोर, बेसिडियम और बेसिडियो कार्प, बस नाम का अंतर है, प्रोसेस लगभग वही है, ठीक है। कॉमनली नोन फॉर्म ऑफ बेसिडियोमाइसिटीज आर मशरूम्स, जितने भी मशरूम, एगेरिकस अभी आपने देखा हो बेसिडियो का है, मशरूम्स, ब्रैकेट फंजाई और पफ बॉल्स, ठीक है, ये बेसिडियोमाइसिटीज में है। आपको नाम से पूछ सकता है कि ब्रैकेट फंजाई किसका मेंबर है, पफ बॉल किसका मेंबर है, ऐसा। दे ग्रो इन सॉइल, मिट्टी में, लॉक्स मतलब लट्ठे, जो बड़े बड़े लट्ठे होते हैं इसके लकड़ी के, उसे लॉक्स कहा जाता है। एंट्री स्टम्स, लकड़ी के टुकड़े, एंड इन लिविंग प्लांट बॉडीज इज पैरासाइट। तो अगर ये सेप्रोट्रॉफिक हैं तो फिर ये इनमें सब में, लकड़ी के टुकड़ों में, सॉइल में ग्रो करेंगे, और नहीं तो पैरासाइट। पैरासाइट में बेसिडियोमाइसिटीज के दो बहुत पॉपुलर, बहुत जाने हुए नाम हैं, एक है रस्ट और एक है समट। जैसे कि देखिए, वीट है, वीट में एक बीमारी होती है ब्लैक रस्ट, वो पैदा करता है ये पक्सिनिया ग्रैमिनिस ट्रिटिकाई, और एक होता है समट, समट, ठीक है। तो समट ऑफ वीट उसको पैदा करता है समट के लिए भी बेसिडियोमाइसिटीज का एक फंगस है, ठीक है, वो पैदा करता है। अस्टीलेगो न्यूडा ट्रिटिकाई उसका नाम है, थोड़ा सा मिसिंग हो रहा था मेरे दिमाग से, है ना, अस्टीलेगो न्यूडा ट्रिटिकाई, वो पैदा करता है समट, है ना। द माइसीलियम इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेट, देखिए तो पहले टाइप का हमने यहाँ पर भी देखा कि ये ब्रांच है, सेप्टेट है, ये तो हमने उस समय भी देखा है एस्कोमाइसिटीज में। अब अंतर ये है कि इसका जो सेप्टम है इसमें बीच में जो पोर है, देखिए सेप्टम में पोर तो एस्कोमाइसिटीज में था, लेकिन सिंपल पोर था, इसका जो पोर है वो थोड़ा इस टाइप का ऐसे बन जाता है, पोर जो है सेप्टम के बीच में, इसे डोली पोर कहते हैं।
और ये जो थोड़ा सा एक्सटेंड टाइप का हुआ है इसे पैरेंथोसोम कहा जाता है। डोलीपोर छिद्र का नाम है और जो थोड़ा ऐसे एक्सटेंड टाइप का हो गया है इसे पैरेंथोसोम कहते हैं। डोलीपोर पैरेंथोसोम, ये इसका स्पेशल फीचर है। ठीक है, द एसेक्सुअल स्पोर्स आर जनरली नॉट फाउंड बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन इज कॉमन। देखिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करता है फ्रेगमेंटेशन से, लेकिन स्पोर्स के द्वारा नहीं करता, जैसे जू स्पोर इस टाइप का कोई स्पोर नहीं बनाता। द सेक्स ऑर्गेन्स आर एबसेंट, सेक्स ऑर्गेन्स नहीं बनते हैं, है ना, बट प्लाज्मोगेमी इज ब्रॉट अबाउट बाय फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव और सोमेटिक सेल्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रेंथ और जीनोटाइप। तो ऐसे करके दो माइसिलियम आते हैं, एक माइसिलियम दूसरे माइसिलियम के साथ जुड़ जाता है और अपना साइटोप्लाज्म मिक्स कर देता है और दोनों न्यूक्लियस। ठीक है, ऐसा द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इज डाइकैरियोटिक व्हिच अल्टीमेटली गिव्स राइज टू बेसिडियम। तो ये मैंने बताया कि दोनों के न्यूक्लियस जब एक जगह पहुंच जाते हैं तो ये डाइकैरियोटिक कंडीशन कहलाता है। बाद में ये फ्यूज होते हैं, काफी बाद में फ्यूज होते हैं। ठीक है, ऐसा है। और फ्यूज होने के बाद फिर इसमें बेसिडियम बन जाएगा और फिर मियोसिस होगा, मियोसिस होकर चार बेसिडियो स्पोर्स मेनली बन जाते हैं ऐसा करके। ठीक है, कैरियोगेमी एंड मियोसिस टेक्स प्लेस इन द बेसिडियम प्रोड्यूसिंग फोर बेसिडियो स्पोर्स। ध्यान रखेंगे कि बेसिडियो स्पोर चार बनते हैं। ठीक है, द बेसिडियो स्पोर्स आर एक्सोजिनसली प्रोड्यूस्ड ऑन द बेसिडियम, है ना, बेसिडियम जो है उसके खुल जाने के बाद, मतलब बेसिडियम जो है अलग से एक स्ट्रक्चर है, माइसिलियम से अलग हो जाता है वो सेप्टम के द्वारा। द बेसिडिया आर अरेंज्ड इन फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड बेसिडियोकार्प। इसके बारे में मैंने आपको बताया कि फ्रूटिंग बॉडी बनता है कई बेसिडियम मिल करके। सम कॉमन मेंबर्स आर एगेरिकस, अभी मैंने एगेरिकस दिखाया था। ठीक है, ये एगेरिकस जो है ये बेसिडियो माइसिटीज का मेंबर है, जो खाने वाला मशरूम है। ठीक है, और अस्टिलेगो, ये देखो मैंने अभी बताया था ना, अस्टिलेगो न्यूडाट्रिटिकाई, ये समट रोग पैदा करता है वीट में, एंड पक्सिनिया ग्रैमिनिस्टिटिकाई, ये ब्लैक रस्ट पैदा करता है। तो इस तरह से ये हो जाता है बेसिडियोमाइसिटीज। ठीक है, अब है ड्यूटेरोमाइसिटीज। अब इसको फंजाई इम्परफेक्टाई या इम्परफेक्ट फंजाई क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है। ठीक है, इसलिए इसको हमने कहा फंजाई इम्परफेक्टाई, और इनमें सिर्फ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, व्हेन द सेक्सुअल फॉर्म ऑफ दिस फंजाई वेयर डिस्कवर्ड दे वेयर मूव्ड इनटू क्लासेस दे राइटली बिलोंग टू। मतलब इनमें कुछ में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया गया तो फिर वो दूसरे क्लास में शिफ्ट कर दिया गया, ये बोल रहे हैं इसको। ठीक है ना, इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट द एसेक्सुअल एंड वेजिटेटिव स्टेज हैव बीन गिवन वन नेम एंड प्लेस्ड अंडर ड्यूटेरोमाइसिटीज एंड द सेक्सुअल स्टेज इन अदर एंड प्लेस्ड अंडर इन अदर क्लास। तो ये कह रहा है भाई कि हम ड्यूटेरोमाइसिटीज में एक ही फंगस को रखते हैं और उसी को दूसरे ड्यूटेरोमाइसिटीज के अलावा बेसिडियो इसको में भी रख सकते हैं। ऐसा इसलिए कह रहा है कि अगर वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने लगता है अनफेवरेबल कंडीशन में तो फिर हम इस क्लास से हटा देते हैं उसको, उसके उस फेज को, ऐसा बोल रहा है। ठीक है, मतलब ये है कि ड्यूटेरो में एनी हाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम नहीं मानेंगे। ठीक है, लेटर व्हेन द लिंकेजेस वेयर एस्टेब्लिश्ड द फंजाई वेयर करेक्टली आइडेंटिफाइड एंड मूव्ड आउट ऑफ ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिल रहा है ना तो उनको परमानेंटली ड्यूटेरो से हटा ही दिया गया। वंस परफेक्ट सेक्सुअल स्टेज ऑफ मेंबर ऑफ ड्यूटेरोमाइसिटीज वेयर डिस्कवर्ड दे वेयर ऑफन मूव टू एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज। ये देखिए उनको बाद में एस्को और बेसिडियोमाइसिटीज में शिफ्ट कर दिया गया, वही मैं बताया अभी आपको। द ड्यूटेरोमाइसिटीज रिप्रोड्यूस ओनली बाई एसेक्सुअल स्पोर्स नोन एज कोनिडिया। देखिए एक बहुत बढ़िया बात यहाँ पर आपको ध्यान रखना है जो कि ड्यूटेरोमाइसिटीज केवल कोनिडिया द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, और इनका माइसिलियम भी सेप्टेट है, ब्रांच्ड है। सम मेंबर्स आर सेप्रोफिटिक एंड सम आर पैरासाइटिक व्हाइल ए लार्ज नंबर ऑफ देम आर डिकम्पोजर्स ऑफ लीटर, लीटर मतलब जो सड़े गली चीज़ें हैं, एंड हेल्प इन मिनरल रिसाइकलिंग। सम एग्जाम्पल्स आर अल्टरनेरिया सोलेनाई। देखिए अल्टरनेरिया सोलेनाई ना ये आलू में अर्ली ब्लाइट डिजीज पैदा करता है, पोटेटो में अर्ली ब्लाइट डिजीज पैदा करता है अल्टरनेरिया सोलेनाई, एंड कोलेटोट्राइकम फेल्केटम। ठीक है, ये पैदा करता है टिक्का डिजीज,
ग्राउंड नट, मूंगफली में टिक्का, एंड ट्राइकोडर्मा, ये तो पैदा करता है स्किन डिजीज ह्यूमन में। तो इतने सारे चीज़ें हैं ये फंगस में, है ना, और ये फंगस यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। अब आ जाता है प्लांट किंगडम, ठीक है ना। तो प्लांट किंगडम में हम इसके बाद एक और वीडियो बनाएंगे, एक क्या कई वीडियो बनेंगे किंगडम प्लांटी में। ये तो केवल इंट्रोडक्शन बताएगा अभी प्लांट किंगडम का, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्लांट किंगडम के बारे में नहीं बताएगा। वैसे एनिमल किंगडम का भी हम अलग से ज़रूर पढ़ेंगे, फिर वायरस के बारे में थोड़ा बहुत, वायरस के बारे में अलग से बताएगा ये। तो इनमें थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन है बस प्लांट का, एनिमल का। इनका अलग से किंगडम है, उनमें हम अलग से वीडियोज़ बनाएंगे। चैप्टर जो नेक्स्ट चैप्टर है वो किंगडम प्लांटी का ही है, उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो किंगडम एनिमेलिया का रहता है। तो उनके तो तीन तीन चार चार वीडियोज़ अलग से बनने वाले हैं, ठीक है। फिर भी यहाँ पर जो इंट्रोडक्शन है वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो देखिए किंगडम प्लांटी, ठीक है, ये क्या है। तो प्लांटी किंगडम में शामिल करने के लिए जो मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है कि एक तो यूकैरियोटिक हो, मल्टीसेलुलर हो, ज़्यादातर मल्टीसेलुलर ही इसमें शामिल करते हैं, यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर सेल वाल वाले हैं और क्लोरोप्लास्ट हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं क्लोरोप्लास्ट सभी में हो, जैसे कि अमर बेल है, कस्क्यूटा, डोडर, उसमें नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसको शामिल करते हैं ना। तो मेन तो सेल वाल है ना, तो ऐसा है। किंगडम प्लांटी इंक्लूड्स ऑल यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिजम्स कॉमनली कॉल्ड प्लांट्स। तो क्लोरोफिल है ना, यूकैरियोटिक है। ए फ्यू मेंबर्स आर पार्शियली हेटरोट्रॉफिक सच एज द इंसेक्टिवरस प्लांट्स और पैरासाइट्स। देखिए इंसेक्टिवरस प्लांट जो है, जैसे पीचर प्लांट है ना, ड्रोसेरा है, यूट्रिकुलेरिया है, ये इंसेक्ट को पकड़ते जरूर हैं, उसमें से नाइट्रोजन को लेते हैं, लेकिन फोटोसिंथेसिस खुद करते हैं, ये उसको पूरी तरह से भोजन के तौर पे प्रयोग नहीं करते हैं कि हमने उसको खा लिया फुर्सत है हम फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है, फोटोसिंथेसिस करना पड़ेगा उनको। ये केवल अपने लिए नाइट्रोजन सोर्स की तरह यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आगे देखते हैं, ब्लेडर वॉर्ट यानी यूट्रिकुलेरिया एंड वीनस फ्लाई ट्रैप आर एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्टिवरस प्लांट, देखिए है ना। और कस्क्यूटा इज अ पैरासाइट, देखिए कस्क्यूटा जो है, अमर बेल, ये पैरासाइटिक प्लांट है, ये जो है अपने हॉस्टोरिया को, चूसक अंग हॉस्टोरिया, उसको मेन प्लांट जो होस्ट प्लांट है उसके फ्लोएम में घुसा देता है, और वहाँ से वो डायरेक्टली शुगर और न्यूट्रिएंट वो चूसते रहता है, और ये कंप्लीट पैरासाइट है, ये अपना भोजन और नहीं बनाता है, सिर्फ उसमें से जो बना बनाया भोजन है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, और इसलिए पीले रंग का होता है, इसमें लीव्स वगैरह भी नहीं बनते हैं ज़्यादातर, ठीक है। और ये पूरी तरह से पैरासाइटिक प्लांट है। द प्लांट सेल्स हैव एन यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर विथ प्रोमिनेंट क्लोरोप्लास्ट सेल वॉल मेनली मेड अप ऑफ सेलुलोज। देखिए प्लांट सेल यूकैरियोटिक है, न्यूक्लियस है, क्लोरोप्लास्ट है, सेल वॉल है, सेलुलोज का बना हुआ, ये सारी चीज़ें तो आप जानते ही हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। अब इसमें यू विल स्टडी द यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर इन डिटेल इन चैप्टर 8, ये सेल बायोलॉजी का चैप्टर है, ठीक है, सेल बायोलॉजी वाला चैप्टर है, ये हम पढ़ाएंगे अभी। प्लांटी इंक्लूड्स एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। एल्गी कौन से, जो मल्टी सेलुलर एल्गी हैं, जैसे स्पायरोगायरा है, यूलोथ्रिक्स है ना, ये मल्टी सेलुलर एल्गी हैं, वो शामिल किए गए हैं, क्योंकि यूनिसेलुलर जो एल्गी हैं उनको हमने प्रोटिस्टा में शामिल किया है। उसके बाद जो है ब्रायोफाइटा, आप जानते हैं ब्रायोफाइटा में मॉस है, रिक्सिया, मार्केंसिया यानी लिवरवर्ट, ये सब हैं। टेरिडोफाइटा में आपके फर्न आते हैं, सिलेजिनेला है, ये आते हैं। जिम्नोस्पर्म में आपका पाइनस है, साइकस है, इफेड्रा है, नीटम है, वेल्विशिया है, ये सब जिम्नोस्पर्म में आते हैं। और एंजियोस्पर्म आपके आसपास जितने भी बड़े प्लांट्स दिख रहे हैं वो ज़्यादातर सभी जो हैं एंजियोस्पर्म हैं, है ना। अगर आप ये जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट नहीं हैं तो, क्योंकि जम्मू कश्मीर में ये जिम्नोस्पर्म ज़्यादा है, वहाँ पर जो आप जम्मू कश्मीर में देख रहे हैं अगर वहाँ के स्टूडेंट हैं आप तो वहाँ पर आपको जो दिख रहा है वो पाइनस का प्लांट है, जो ऐसे नुकीले नुकीले जो लीव्स हैं वो पाइनस हैं। आप तो वहाँ के हैं, आप बहुत अच्छे से जानते हैं, उसको चीड़ भी कहते हैं, वो जिम्नोस्पर्म है, ठीक है। बाकी जो स्टूडेंट हैं उनके लिए एंजियोस्पर्म ज़्यादा कॉमन प्लांट है, ठीक है।
अब देखिए कि प्लांट के लाइफ साइकिल में स्पोरोफाइटिक और गैमेटोफाइटिक दो स्टेज होते हैं। लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स हैव टू डिस्टिंक्ट फेजेस, द डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक फेज एंड हैप्लॉयड गैमेटोफिटिक फेज। देखिए जो मेन प्लांट बॉडी है ब्रायोफाइटा में, मेन प्लांट बॉडी है और एल्गी में, मेन प्लांट एल्गी और ब्रायोफाइटा, इसमें जो मेन प्लांट बॉडी है वो गैमेटोफिटिक है। स्पोरोफिटिक जो है उनमें या तो रिड्यूस्ड है या उसी पे डिपेंडेंट है, कम डेवलप्ड है। लेकिन ब्रायोफाइटा से ऊपर जैसे ही अपन आते हैं, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इनमें जो है वो स्पोरोफिटिक स्टेज ज़्यादा डेवलप्ड है। इनमें अंतर आप समझ लीजिए, स्पोरोफाइट का मतलब है जो स्पोर पैदा करता है और गैमेटोफाइट का मतलब है जो गैमिट पैदा करता है। स्पोरोफाइट स्टेज डिप्लॉयड स्टेज है, मियोसिस के द्वारा स्पोर पैदा करता है, और गैमेटोफाइट हैप्लॉयड स्टेज है जो गैमिट पैदा करेगा बिना मियोसिस के। फिर से एक बार बता देता हूँ, स्पोरोफाइट डिप्लॉयड स्टेज है, मियोसिस करके स्पोर पैदा करता है, स्पोर से गैमेटोफाइट बनता है जो हैप्लॉयड है, चूंकि स्पोर हैप्लॉयड है तो गैमेटोफाइट हैप्लॉयड है, गैमेटोफाइट में गैमिट बनते हैं मेल फीमेल, वो हैप्लॉयड होते हैं, वो बिना मियोसिस के बने। और मेल फीमेल गैमिट जब फर्टिलाइज होते हैं तो डिप्लॉयड जाइगोट बनता है, उससे स्पोरोफाइट बनता है। ठीक है, तो स्पोरोफाइट डिप्लॉयड हुआ, मियोसिस से स्पोर बने, स्पोर से गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट में गैमिट, गैमिट में फ्यूजन हुआ तो डिप्लॉयड जाइगोट, उससे स्पोरोफाइट, वो डिप्लॉयड हो गया, और जो एक दूसरे के अल्टरनेट होते हैं। लेंथ ऑफ द हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड फेजेस एंड वेदर दीज फेजेस आर फ्री लिविंग और डिपेंडेंट ऑन अदर वेरी एमंग डिफरेंट ग्रुप्स इन प्लांट्स। देखिए जैसा मैंने आपको कहा कि गैमेटोफाइट स्टेज डेवलप्ड है ब्रायोफाइटा में और वो इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर है। टेरिडोफाइटा में भी जो गैमेटोफाइट स्टेज है वो इंडिपेंडेंट है लेकिन अनडेवलप्ड है, बहुत कम डेवलप्ड है, मेन डेवलप हो गया स्पोरोफाइट। फिर ऊपर जैसे जाएंगे जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म, उसमें तो वो इंडिविजुअल भी नहीं है, वो डिपेंड करता है गैमेटोफाइट स्टेज, ठीक है, स्पोरोफाइट पे। ये थोड़ा धीरे धीरे समझने वाली चीजें हैं, प्लांट किंगडम में मैं आपको ठीक से और समझाऊंगा, ठीक है। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इसको ठीक से मैं प्लांट किंगडम के 3-4 वीडियो जो बनाने वाला हूं उसमें आपको बताऊंगा। यू विल स्टडी फर्दर डिटेल ऑफ दिस किंगडम इन चैप्टर 3। ये प्लांट किंगडम का चैप्टर है जो आगे हम पढ़ने वाले हैं, चैप्टर 3 में। अब है किंगडम एनिमेलिया। एनिमेलिया के लिए भी अलग से किंगडम हम पढ़ेंगे, उसमें भी 2-3-4 वीडियो हम बनाएंगे, है ना। अब यहां पर थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दिया है, उसको पढ़ लेते हैं। तो अब जैसा कि हमने कहा कि प्लांट में भी मल्टी सेलुलर को हमने लिया, यूकेरियोटिक को लिया, किंगडम एनिमेलिया में भी हम मल्टी सेलुलर को ही लेंगे और यूकेरियोटिक को लेंगे, क्योंकि यहां पर भी जो यूनिसेलुलर थे उसको हमने प्रोटोजोआ के नाम से प्रोटिस्टा किंगडम में शामिल किया था। ये अलग बात है कि जब हम फाइला पढ़ते हैं तो पहला फाइलम जो है वो फाइलम प्रोटोजोआ के नाम से पढ़ते हैं, उसको किंगडम एनिमेलिया में ही पढ़ लेते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो फाइलम प्रोटोजोआ है उसको हमने प्रोटिस्टा में शामिल किया है, और जो मल्टी सेलुलर हो गए हैं प्रोटोजोआ से ऊपर यानी पोरीफेरा से लेकर कॉर्डेटा तक, ये सभी हमने किंगडम एनिमेलिया में रखा है। दिस किंगडम इज कैरेक्टराइज्ड बाय हेटरोट्रॉफिक यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म दैट आर मल्टी सेलुलर एंड देयर सेल लैक सेल वॉल। तो हेटरोट्रॉफिक क्यों कहा हमने, क्योंकि अपना भोजन ये खुद नहीं बना सकते, दूसरे से लेते हैं, और वो प्लांट है डायरेक्टली इनडायरेक्टली। अगर आप मांसभक्षी भी हो तब भी वो जो एनिमल आप खा रहे हो वो एनिमल प्लांट पे डिपेंड करेगा, मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप प्लांट से ही भोजन पा रहे हो, हेटरोट्रॉफिक हो। सेल वॉल नहीं है इनमें, ये तो आपको पता ही है। दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड, मैंने अभी बताया। दे डाइजेस्ट देयर फूड इन एन इंटरनल कैविटी एंड स्टोर फूड रिजर्व्स एट ग्लाइकोजन और फैट। अब देखिए हम लोग ज़्यादातर जो है एनिमल फूड को डाइजेस्ट करने के लिए एक अलग से कैविटी, एक अलग से कैनाल हमारे शरीर में रहता है, उसे हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, उसमें हम फूड को डाइजेस्ट करते हैं, और डाइजेस्ट करके फूड को हम यूज़ भी कर लेते हैं और स्टोर भी करते हैं। तो एनिमल में जो फूड स्टोर होता है
उसमें कार्बोहाइड्रेट और फैट ये दो चीज़ें स्टोर होती हैं। प्रोटीन हमारे शरीर में एक्स्ट्रा या अमीनो एसिड स्टोर नहीं होता, जितना यूज़ करना है कर लिए, बनाना है बना लिए, अब बाकी स्टोर नहीं करते, हम उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं या डीएमिनेशन के द्वारा दूसरे चीज़ों में कन्वर्ट कर देते हैं अमीनो एसिड को। लेकिन हम कार्बोहाइड्रेट को और फैट को स्टोर करते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट को हम स्टोर करते हैं ग्लाइकोजन के फॉर्म में और लिपिड को स्टोर करते हैं फैट को, ठीक है। जबकि प्लांट जो है कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करते हैं स्टार्च के फॉर्म में, हम लोग इसको स्टोर करते हैं ग्लाइकोजन के फॉर्म में, इसीलिए तो ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च भी कहते हैं, ठीक है। ग्लाइकोजन और स्टार्च में थोड़ा सा अंतर है, देखिए मैं आपको बता दूं कि ग्लाइकोजन कहें या स्टार्च कहें, ये ग्लूकोज से ही बनता है। ग्लूकोज जब आपस में जुड़ते चले जाते हैं और पॉलीमर बनाते हैं तो उसे हम स्टार्च या ग्लाइकोजन कहते हैं, उनके जुड़ने के थोड़े से अंतर के हिसाब से, है ना। ये मैं आपको बायो मॉलिक्यूल जब पढ़ाऊंगा तो थोड़ा सा पढ़ा दूंगा, जिसमें हम सेल बायोलॉजी में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज होलोजोइक, होलो मतलब कंप्लीट, जोइक मतलब एनिमल, एनिमल के जैसा पूरी तरह से फीडिंग करना, एनिमल एनिमल के जैसा फीडिंग करता है, ये मतलब है, मतलब भोजन को खाता है, इंजेक्शन मतलब खाना अंदर में निगल लेना। दे फॉलो ए डेफिनाइट ग्रोथ पैटर्न एंड ग्रो इनटू एडल्ट दैट हैव ए डेफिनाइट शेप एंड साइज। अब डेफिनाइट ग्रोथ पैटर्न का क्या मतलब हुआ, डायरेक्ट ग्रोथ होगा या इनडायरेक्ट ग्रोथ होगा। देखिए डायरेक्ट ग्रोथ हम लोगों में होता है जिनमें जाइगोट से सीधा एडल्ट बनता है ना, बीच में कोई लार्वल स्टेज नहीं होता है तो हम उसे डायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। अगर बीच में कोई लार्वल स्टेज होता है, जैसा कि आप जानते हैं मेढक फ्रॉग, उसमें डेवलपमेंट के समय बीच में एक टैडपोल लार्वा स्टेज होता है, तो उसे हम इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट डेवलपमेंट है, ठीक है। डेफिनाइट शेप इन साइज हमारा, आप देख सकते हैं कोई भी बॉडी है एनिमल का, उसका साइज शेप फिक्स होता है। हायर फॉर्म शो एलिबरेट सेंसरी एंड न्यूरोमोटर मैकेनिज्म, तो ये नर्वस सिस्टम की बात कर रहा है कि पोरीफेरा सिलेंट्रेटा से ऊपर जाते जाएंगे तो नर्वस सिस्टम हमारा डेवलप होते चले जाता है। मोस्ट ऑफ देम आर कैपेबल ऑफ लोकोमोशन, कुछ को छोड़ करके, जैसे कि पोरीफेरा के मेंबर हैं साइकॉन, वो फिक्स रहता है ना, वैसे ही प्रोटोकार्डेट में एक हार्डमानिया है वो फिक्स रहता है, लेकिन ज़्यादातर जो एनिमल हैं वो मूवेबल होते हैं, लोकोमोशन कर सकते हैं। द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय कॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल फॉलोड बाय एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट, तो यहाँ पर कॉपुलेशन का मतलब है ये कोर्टशिप है, सेक्सुअल रिलेशन है मेल और फीमेल के बीच में, फिर उनके बीच में गैमिट का फ्यूजन होता है स्पर्म ओवम का, तब जो है जाइगोट बनता है और फिर एम्ब्रियो बनकर उसका डेवलपमेंट होता है। हम लोगों में जब एम्ब्रियो डेवलप होता है तो 8 हफ्ते यानी कि 2 महीने तक के बच्चे को अपन एम्ब्रियो कहते हैं पेट में गर्भाशय में, और फिर 8 हफ्ते के बाद हम उसे फीटस कहने लगते हैं। तो ये सब डेवलपमेंटल स्टेज हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे बाद में। सेलियंट फीचर्स ऑफ वेरियस फाइला आर डिस्क्राइब्ड इन चैप्टर 4, तो इसको हम, जैसा मैंने पहले बताया था कि इसका अलग से एक चैप्टर है किंगडम एनिमेलिया का, उसमें हम इसको और डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। अब थोड़ा वायरस, वायरॉइड्स, प्रेयॉन्स एंड लाइकेन्स के बारे में अलग से थोड़ा सा हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है, ऐसा है, ठीक है। तो अब देखते हैं इसमें क्या क्या दिया है, ठीक है। तो 4-5 अपने पास स्लाइड्स हैं, अभी इसको धीरे धीरे आप ये पढ़ लेते हैं, है ना। वायरसेस, अब देखिए इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ विटकर देयर इज नो मेंशन ऑफ लाइकेन्स एंड सम एसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक वायरस, वायरॉइड्स, प्रेयॉन्स, इनके बारे में डिस्क्रिप्शन नहीं है। हालांकि थोड़ा इनके बारे में डिस्कवरी हो चुकी थी, वायरस के बारे में 1897 में 1897 में ही डिस्कवरी हो चुकी थी, फिर भी इनके बारे में विटकर क्लासिफिकेशन में ज़्यादा कुछ नहीं बताया गया है, ठीक है। अब क्या है, देखिए वायरस क्या है, वायरस से बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं। सबसे कॉमन जो बीमारी वायरस से होती है वो है कोल्ड फ्लू, अभी स्वाइन फ्लू बहुत पॉपुलर है, मालूम है आपको, बर्ड फ्लू होता है इसमें, बर्ड्स में, तो ये कॉमन है वायरस में। HIV वायरस से होता है, कैंसर वायरस से होता है ना, और भी बहुत सारी स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, है ना, हेपेटाइटिस ये वायरस से होता है, सबसे खतरनाक बीमारियों में से है ना।
तो ऑल ऑफ अस हु हैव सफर्ड द इल इफेक्ट्स ऑफ कॉमन कोल्ड और फ्लू नो व्हाट इफेक्ट वायरसेस कैन हैव ऑन अस। तो जिनको ये बीमारियां हुई हैं, कॉमन कोल्ड है, फ्लू है, वो लोग जानते हैं कि इसका इफेक्ट क्या होता है। मुझे स्वाइन फ्लू हो चुका है भाई लोग, मैं बता रहा हूँ आपको, स्वाइन फ्लू हो चुका है मुझे। मेरे मदर इन लॉ को स्वाइन फ्लू हुआ था और उनके साथ हॉस्पिटल में था मैं एक दिन, तो मुझे भी स्वाइन फ्लू हो गया था और मुझे पता ही नहीं चला, वो ठीक भी हो गया, बाद में पता चला कि वो स्वाइन फ्लू था। ठीक है, जब मदर का चेक होकर आया रिजल्ट, तो मुझे पता चला कि उनसे मुझे हो चुका था, मुझे भी ठीक हो गया है, ऐसा है। ठीक है, इवन विफ वी डू नॉट एसोसिएट इट विथ आवर कंडीशंस, ठीक है, कोई बात नहीं है। वायरसेस डिड नॉट फाइंड ए प्लेस इन क्लासिफिकेशन सिंस दे आर नॉट कंसिडर्ड ट्रूली लिविंग इफ वी अंडरस्टैंड लिविंग इज दोज ऑर्गेनिज्म दैट हैव ए सेल स्ट्रक्चर। वायरसेस जो है ना तो पूरी तरह से लिविंग है ना पूरी तरह से नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग इसलिए है क्योंकि उनको क्रिस्टलाइज कर सकते हैं और सेल के बाहर वो ग्रो नहीं करता है, जबकि लिविंग इसलिए है क्योंकि सेल के अंदर ग्रो कर लेता है और इसमें डीएनए है और प्रोटीन का कोट है। इसी कारण से लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के बीच का कनेक्टिंग लिंक माना जाता है वायरस। ठीक है, द वायरसेस आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स दैट आर कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग एन इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल। तो अब इसी के बारे में बात कर रहा है कि ये जिस सेल के अंदर ग्रो करता है, अगर उस सेल से बाहर निकाल दें इसको, तो ये बिल्कुल नॉन लिविंग जैसा हो जाता है और इसको हम क्रिस्टलाइज कर सकते हैं। स्टेनले नाम के साइंटिस्ट ने इसको क्रिस्टलाइज किया था सबसे पहले। ठीक है, वायरस को, ये वायरस का स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हैं, ये पहला वाला वायरस है, ये TMV है, टोबेको मोज़ेक वायरस है ना। तो ये बाहर में ये जो पूरा ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये प्रोटीन का कोट है जिसको हम कैप्सिड कहते हैं, और ये इसके एक एक यूनिट है, एक ईंट जैसे जो दिख रहे हैं ऐसे, ये एक एक यूनिट है जिनको अपन कैप्सोमियर कहते हैं। इसमें कैप्सोमियर की संख्या 2130 होता है, 2130 कैप्सोमियर का बना होता है ये पूरा कैप्सिड है ना। और ये कैप्सिड ना ऐसे थोड़ा स्पायरल टाइप का रहता है, ऐसे थोड़ा सा ऐसे घुमा हुआ टाइप का रहता है कैप्सिड इसका, TMV का। और इसके अंदर खोखे में इसके अंदर जो है ये वाला जो दिख रहा है, ये आरएनए का एक मॉलिक्यूल होता है जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। ठीक है, इसका एक मॉलिक्यूल टीएमवी के इस कैप्सिड के अंदर होता है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है आपका टीएमवी का, टोबेको मोज़ेक वायरस। ये टोबेको मोज़ेक वायरस जो है टोबेको प्लांट की लीफ में ऐसे धब्बे धब्बे पैदा कर देता है, तो पूरे उनके लीव्स जो है डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, अब वो कुछ काम के नहीं रह जाते हैं। ये जो दूसरा स्ट्रक्चर है ना, ये बैक्टीरियोफेज का है। बैक्टीरियोफेज का मतलब होते हैं ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया पे अटैक करते हैं, उनको खा जाते हैं। तो खा जाने का मतलब उनको निगल जाना नहीं होता है, उनको डिस्ट्रॉय कर देना होता है। यहाँ पर ये बैक्टीरिया के अंदर अपना डीएनए छोड़ देते हैं। ये जो ये स्ट्रक्चर पूरा दिख रहा है, ये बाहर का कैप्सिड है ना, और इसके अंदर यहाँ पर जो है हेड के अंदर ये डीएनए का एक मॉलिक्यूल होता है, और बाकी पूरा जो स्ट्रक्चर है वो कैप्सिड है। इसमें एक हेड होता है, एक कॉलर होता है, एक शीथ नेक जैसा जिसको बोलते हैं शीथ होता है, नेक के ऊपर शीथ होता है, और ये टेल होता है। टेल में ये 6 ऐसे पेग्स होते हैं और 6 ऐसे फाइबर्स होते हैं, टेल फाइबर्स, ये बैक्टीरिया से चिपकने में मदद करते हैं। और फिर यहीं से एक लाइसोजाइम एंजाइम सीक्रेट हो जाता है जो बैक्टीरिया के सेल में एक छेद कर देता है, और ये अपना डीएनए बैक्टीरिया के अंदर भेज देते हैं। फिर ये डीएनए बैक्टीरिया के अंदर अपनी कॉपी तैयार करता है, और बहुत सारे ऐसी वायरस हजार की संख्या में वायरस बना के इसको तोड़ के बाहर आ जाते हैं, और फिर उतने ही वायरस जो है उतने ही बैक्टीरिया में अटैक करते हैं जितने वहाँ से निकले हैं। तो एक चेन रिएक्शन चालू हो जाता है, और ये बैक्टीरियोफेज इसीलिए बैक्टीरियोफेज कहलाता है क्योंकि बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देता है। और ये वाला जो है ये 5X174 सबसे कॉमन होता है ये बैक्टीरियोफेज, और इसमें सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। ठीक है, और भी बहुत सारे बैक्टीरियोफेज होते हैं है ना, और उनमें अलग अलग टाइप के डीएनए या आरएनए होते हैं, लेकिन शेप लगभग इसी तरह का होता है सारे बैक्टीरियोफेज का। इसको टैडपोल शेप कहते हैं, टैडपोल शेप है ना। इसमें हेड जो है ये हेक्सागोनल शेप का प्रिज्म जैसा एक हेड होता है, कॉलर के साथ ये टेल से नेक से जुड़ा होता है, नेक के ऊपर एक शीथ होता है, और फिर नीचे एक टेल होता है ना, जिसमें टेल फाइबर्स और टेल पेग्स होते हैं। पेग्स मतलब खूंटी जैसे, ये खूंटी जैसे, और ये टेल फाइबर्स, ये जुड़ने में मदद करते हैं, 6-6 होते हैं संख्या में ये। वंस दे इन्फेक्ट ए सेल दे टेक ओवर द मशीनरी ऑफ द होस्ट सेल
टू रिप्लिकेट देमसेल्व्स किलिंग द होस्ट, है ना। तो होस्ट के अंदर ये अपने आप को रिप्लिकेट करते हैं, सेल के अंदर उसको मार देते हैं। वुड यू कॉल वायरसेस लिविंग और नॉन लिविंग? अभी मैंने आपको बताया कि कुछ चीज़ें उसके लिविंग जैसे हैं, कुछ चीज़ें लॉन्ग लिविंग जैसे हैं। अब वायरस का नाम वायरस कैसे पड़ा देखिए, ठीक है। तो एक साइंटिस्ट हुए है ना, आइवनॉस्की, डिमिट्री आइवनॉस्की, इन्होंने क्या किया कि टोबेको मोजेक वायरस से पीड़ित जो टीएमवी से पीड़ित जो टोबेको प्लांट था उसका एक्सट्रैक्ट निकाला, रस निकाला पीस करके उसको, और रस निकाल के उसको बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर से छान लिया। छानने पे जो नीचे का फिल्ट्रेट था उसमें बैक्टीरिया नहीं जा सकता क्योंकि बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर से छाना है आपने। बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर का मतलब है जिससे बैक्टीरिया पास नहीं हो सकते, है ना। जैसे कि मान लो हमने एक कपड़ा लिया, छान दिया, बैक्टीरिया नहीं गुजरेंगे, ऐसा तो बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर हो गया। तो नीचे जो फिल्ट्रेट हुआ उसमें बैक्टीरिया नहीं है क्योंकि प्रूफ फिल्टर है। अब उस लिक्विड को, नीचे वाला फिल्ट्रेट है उसको हेल्दी प्लांट में छिड़क दिया गया, तो जो हेल्दी प्लांट थे टोबेको के उनमें भी बीमारी हो गई, ठीक है। तो इसीलिए उस लिक्विड को जहरीला लिक्विड माना गया, और जहर यानी टॉक्सिन, और लैटिन में टॉक्सिन का मतलब होता है वायरस, इसलिए इसका नाम वायरस रखा गया, ठीक है। तो आइवनॉस्की रिकॉग्नाइज्ड सर्टेन माइक्रोब्स इज कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ द मोजेक डिजीज ऑफ टोबेको, दीज वेयर फाउंड टू बी स्मॉलर देन बैक्टीरिया बिकॉज दे पास्ड थ्रू बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर। ये देखिए मैंने बताया ना अभी, M.W. Bjerknik demonstrated that the extract of the infected plants of tobacco could cause infection in healthy plants and called the fluid as a contagium vivum fluidum. देखिए यहाँ पर एक बार ने बताया कि वो जो लिक्विड है वो हेल्दी प्लांट में इन्फेक्ट कर सकता है, इसलिए उस लिक्विड को कहा गया contagium vivum fluidum, infectious living fluid, जो लिविंग फ्लूड इन्फेक्शन कर सकता है, ऐसा contagium vivum fluidum, है ना। W.M. Stanley इन्होंने क्रिस्टलाइज किया इसको, है ना, 1935 में, सो दैट वायरसेस कुड बी क्रिस्टलाइज एंड द क्रिस्टल्स कंसिस्ट लार्जली ऑफ प्रोटीन्स। ये देखिए जब वायरस को हमने क्रिस्टल किया तो मेनली क्रिस्टल प्रोटीन के बने हैं। क्यों बने हैं? क्योंकि वायरस का जो पूरा स्ट्रक्चर है इसका ज़्यादातर पार्ट प्रोटीन है जिसको कैप्सिड कहते हैं अपन, है ना। दे आर इनर्ट आउटसाइड देयर स्पेसिफिक होस्ट सेल, वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। देखिए ऑब्लिगेट का मतलब होता है अनिवार्य रूप से, ठीक है ना, और पैरासाइट का मतलब है जो सिर्फ पैरासाइट के रूप में जिंदा रह सकता है, मतलब होस्ट सेल के अंदर ही जिंदा रह सकता है, होस्ट सेल से बाहर निकालेंगे तो वो मर जाता है, ठीक है, इसलिए, ठीक है। इन एडिशन टू प्रोटीन यानी कैप्सिड के अलावा वायरसेस आल्सो कंटेन जेनेटिक मटेरियल्स दैट कुड बी आइदर आरएनए और डीएनए। तो मैंने आपको बताया कि वायरस में या तो डीएनए होता है या आरएनए होता है, दोनों नहीं होता वायरस में। नो वायरस कंटेन्स बोथ आरएनए और डीएनए। ए वायरस इज ए न्यूक्लियो प्रोटीन। न्यूक्लियो प्रोटीन क्यों? क्योंकि आपने देखा कि एक कैप्सिड है प्रोटीन का बना हुआ, बीच में न्यूक्लिक एसिड है, आरएनए डीएनए, तो दोनों मिलकर न्यूक्लियो प्रोटीन, ऐसा हो गया न्यूक्लियो प्रोटीन, है ना। एंड द जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्शियस, है ना। अब इसका जो जेनेटिक मटेरियल है इन्फेक्शियस है। इन जनरल वायरसेस दैट इन्फेक्ट प्लांट्स हैव सिंगल स्ट्रैंड आरएनए। ये अब थोड़ा सा ये लाइन याद करने लायक है, देखिए प्लांट में अटैक करने वाले ज्यादातर वायरस उनमें होता है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, ठीक है, और वे वायरसेस जो एनिमल को इन्फेक्ट करते हैं उनमें या तो सिंगल या डबल स्ट्रैंडेड आरएनए रहेगा या डबल स्ट्रैंडेड डीएनए रहता है। ज्यादातर में आरएनए डीएनए दोनों में से कुछ भी हो सकता है, आरएनए सिंगल डबल दोनों हो सकता है, डीएनए सिर्फ डबल ज्यादातर होता है। ये एनिमल में, मतलब एनिमल में सभी प्रकार की चीजें हो सकती हैं, वायरस में या तो आरएनए रहेगा या डीएनए रहेगा, आरएनए सिंगल डबल, डीएनए डबल, ऐसा हो सकता है, लेकिन एक ही चीज रहेगा ना। जबकि ज्यादातर जो प्लांट वायरसेस हैं उनमें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है। ये तो प्लांट और एनिमल वायरस के बारे में बात हुआ। बैक्टीरियल वायरसेस और बैक्टीरियोफेज जो बैक्टीरिया पे इन्फेक्ट करते हैं आर यूजुअली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस, ठीक है, इनमें ज्यादातर में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। हालांकि अभी मैंने आपको एक वायरस बताया था बैक्टीरियोफेज 5x174, इसमें सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है, लेकिन ज्यादातर जो बैक्टीरियोफेज है उनमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, लिख रहा है। द प्रोटीन कोट कॉल्ड कैप्सिड मेड अप ऑफ स्मॉलर सब यूनिट्स कॉल्ड कैप्सोमियर्स। ये भी मैंने आपको बताया कि छोटे छोटे ईंटे जैसी जो जुड़ी हुई हैं उन्हें अपन कैप्सोमियर्स कहते हैं।
प्रोटेक्ट द न्यूक्लिक एसिड, ये न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करते हैं। दीज कैप्सोमियर्स आर अरेंज्ड इन हेलिकल और पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिक फॉर्म। अभी मैंने आपको बताया था ना कि टोबेको मोजेक वायरस ऐसे स्पायरल टाइप का, हेलिकल टाइप का है ऐसा। वायरसेस कॉज डिजीजेस लाइक मम्स, ये मम्स क्या है पता है, ये हमारे ये जो पैरोटिड सेलावरी ग्लैंड है, कान के पास पैरोटिड सेलावरी ग्लैंड होते हैं, ये सूज जाते हैं वायरस के इन्फेक्शन से, वो मम्स है। स्मॉल पॉक्स यानी बड़ी माता, चिकन पॉक्स मतलब छोटी माता, स्मॉल पॉक्स मतलब बड़ी माता। हर्पीज एंड इन्फ्लुएंजा, ये कुछ कॉमन बीमारियां हैं और फिर सबसे खतरनाक बीमारी एड्स है और आपका हेपेटाइटिस। एड्स इन ह्यूमंस इज आल्सो कॉज्ड बाय वायरस, है ना, और हेपेटाइटिस, ये भी आप ध्यान रखेंगे। इन प्लांट्स द सिम्टम्स कैन बी मोजैक फॉर्मेशन, मोजैक का मतलब है धब्बे, पत्तियों में धब्बे। लीफ रोलिंग, पत्तियां मुड़ जाती हैं। एंड कर्लिंग, मुड़ना और ऐसे ऐसे घूम जाना। येलोइंग, पीले पड़ जाते हैं। एंड वेन क्लियरिंग, वेन क्लियरिंग का मतलब है कि वेन्स के आसपास का जो एरिया है वो एक तो डिस्कलर्ड हो जाएगा, हरा कलर हट जाएगा, क्लोरोसिस हो जाएगा, और दूसरा कि वेन्स डिस्ट्रॉय होने लगेंगे। ड्वार्फिज्म मतलब बौना रह जाएगा पौधा। एंड स्टंटेड ग्रोथ, पौधे का ग्रोथ कम रह जाएगा, छोटा रह जाएगा पौधा। तो ये सारे जो प्रॉब्लम है वो वायरस के कारण से आते हैं पौधों में, ठीक है। अब बात आता है वायरॉइड्स का। वायरॉइड का क्या मतलब होता है, अभी देखिए, वायरस में आपने देखा एक प्रोटीन का कोट है और उसके अंदर डीएनए आरएनए में से कोई एक है, दोनों चीजें वायरस होते हैं। लेकिन अब अगर प्रोटीन कोट नहीं है और केवल आरएनए है और वो इन्फेक्शियस है, वो बीमारी पैदा करेगा, तो वायरॉइड होगा। कैप्सिड नहीं है, केवल आरएनए है, तो वायरॉइड। और आरएनए नहीं है, केवल कैप्सिड है, तो प्रियॉन्स। दोनों को हम अभी पढ़ेंगे, अभी वायरॉइड है, इसमें कैप्सिड नहीं है, सिर्फ आरएनए है। टी ओ डाइनर 1971 डिस्कवर्ड ए न्यू इन्फेक्शियस एजेंट दैट वॉज स्मॉलर देन वायरस एंड कॉज्ड पोटेटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। ये देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट डिजीज है, इसका नाम याद करना है आपको, वायरॉइड्स के द्वारा। इट वॉज फाउंड टू बी ए फ्री आरएनए, मैंने बताया ना कि इसमें कैप्सिड नहीं है, सिर्फ आरएनए है। इट लैक्स ए प्रोटीन कोट दैट इज फाउंड इन वायरस, वायरस के जैसा प्रोटीन कोट कैप्सिड इसमें नहीं है, हेंस द नेम वायरॉइड, ठीक है, इसका नाम वायरॉइड है, वायरस से अलग नाम हो गया। द आरएनए ऑफ द वायरॉइड वॉज ऑफ लो मॉलिकुलर वेट, ये कम मॉलिकुलर वेट का है, जैसे वायरस में जो आरएनए है उससे छोटा वायरस आरएनए है, ठीक है, तो ये वायरॉइड हो गया। अब है प्रायॉन, तो प्रायॉन में अब देखेंगे कि आरएनए नहीं है, सिर्फ प्रोटीन कोट है, उल्टा हिस्से। इन मॉडर्न मेडिसिन सर्टेन इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिजीज वेयर फाउंड टू बी ट्रांसमिटेड बाय एन एजेंट कंसिस्टिंग ऑफ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन, ये देखिए केवल प्रोटीन है ना। द एजेंट वॉज सिमिलर इन साइज टू वायरस, साइज तो वायरस जैसा रहेगा क्योंकि प्रोटीन कोट है, वायरस भी तो प्रोटीन कोट ही है, उतना ही बड़ा साइज। दीज एजेंट्स वेयर कॉल्ड प्रियॉन्स, द मोस्ट नोटेबल डिजीज कॉज बाय प्रियॉन्स आर बोविन स्पॉन्जी फॉर्म एनसेफेलोपैथी BSE। बोविन का मतलब होते हैं कैटल्स, जितने गाय भैंस बकरी और शिप ये सब कैटल्स हैं। स्पॉन्जी फॉर्म एनसेफेलोपैथी, देखिए एनसेफेलो का मतलब होता है ब्रेन, पैथी का मतलब है उसमें बीमारी होना, और स्पॉन्जी फॉर्म मतलब होता है स्पंज जैसा हो जाना, मतलब ब्रेन ऐसा सॉफ्ट स्पंज जैसा खोखला खोखला हो जाएगा, मतलब ब्रेन डिस्ट्रॉय होने लगेगा आप ये कहिए इस बीमारी से। कॉमनली कॉल्ड मैड काउ डिजीज इन कैटल, ये देखिए मैड मतलब पागल हो जाना, मैड काउ डिजीज इन कैटल एंड इट्स एनालॉगस वेरिएंट है ना CR जैकोब डिजीज इन ह्यूमन, है ना। तो जैकोब डिजीज जो है ह्यूमन में है और ये भी मैडनेस पैदा करता है, पागलपन पैदा करता है इंसान में, ठीक है। अब थोड़ा लाइकेन के बारे में पढ़ेंगे। लाइकेन क्या है, देखिए इसके बारे में हम बात किए हैं कि एल्गी और फंगस ये दोनों जब मिल जाते हैं तो लाइकेन बनाते हैं। फंगस जो है हवा से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने में कैपेबल होता है और उसको एल्गी को देता है,
और एल्गी उससे फोटोसिंथेसिस करता है और फोटोसिंथेसिस करके फिर वो फूड मटेरियल दे देता है प्लांट को, इसको फंगस को, ठीक है। तो लाइकेन्स आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन दैट इज म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। लाइकेन के बारे में बहुत सारी चीजें आपको बता चुका हूं मैं पहले भी। द एल्गल कंपोनेंट नोन एज फाइकोबायोंट, क्योंकि फाइकोलॉजी, फाइको मतलब एल्गी, तो फाइकोबायोंट है, और फंगल कंपोनेंट इज माइकोबायोंट, क्योंकि माइकोलॉजी यानी माइकोज, माइको मतलब फंगस और फाइको मतलब एल्गी, विच आर ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक रेस्पेक्टिवली। तो एल्गी फोटोसिंथेटिक करता है, फोटोसिंथेसिस, और फंगस जो है उसको यूज करता है। एल्गी प्रिपेयर फूड फॉर फंगाई एंड फंगाई प्रोवाइड शेल्टर एंड एब्जॉर्ब्स मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फॉर इट्स पार्टनर। अभी मैंने आपको बताया कि फंगस मिनरल वाटर एब्जॉर्ब करके देता है, एल्गी भोजन बना के देता है। इसको हस्बैंड वाइफ एसोसिएशन या हेलोटिज्म भी कहते हैं। हेलोटिज्म मतलब दासता, दास, दास और मालिक जैसा। इसमें मालिक है कवक फंगस और दास है इसमें एल्गी, ऐसा, ठीक है, ऐसा है। सो क्लोज इज देयर एसोसिएशन दैट इफ वन सॉ ए लाइकेन इन नेचर वन वुड नेवर इमेजिन दैट दे हैड टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म विद इन देम। ये दोनों एक दूसरे से इतने क्लोजली होते हैं कि एक ही दिखते हैं, अलग अलग नहीं पहचान पाएंगे आप। लाइकेन आर वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर्स, दे डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरिया, विशेषकर एसो टू पॉल्यूटेड में। एसोसु सल्फर डाइऑक्साइड, एसो टू पॉल्यूशन अगर है तो लाइकेन ग्रो नहीं कर पाएगा, है ना। तो इसलिए वो एसो टू पॉल्यूशन का बहुत अच्छा इंडिकेटर है ये लाइकेन, है ना। तो ठीक है, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो फ्रेंड्स, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो नेक्स्ट टॉपिक है प्लांट किंगडम, उसमें हम मिलने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो। और आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, लगातार आप देख रहे हैं, अगर नए हैं तो कृपया आप सब्सक्राइब कर लें, शेयर, लाइक, कमेंट कर दिया करें, है ना। सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए और आप लगातार मेरी वीडियो देख पाएँ, है ना। मुझे भी अच्छा लगता है जब आप वीडियो देखते हैं, है ना, लाइक करते हैं, है ना, और शेयर कमेंट करते हैं, तो कृपया ये करते रहें आप, मुझे भी मोरल बूस्ट मिलता है। और थोड़ा सा मेरे चैनल को आपके सपोर्ट की आवश्यकता है, तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, है ना। और थैंक यू है, बाय, थैंक यू।